किड्स, मैं शबीना टीचर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी कहानी जिससे आप जानेंगे कि इंसान को अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा करना चाहिए और हमेशा जागरूक रहना चाहिए हर काम के लिए और हर स्थान पर। एक जंगल था, जंगल में एक शेर था। शेर बड़ा खूंखार था, शेर का दबदबा पूरे जंगल में था, सारे जानवर उससे डरते थे। शेर रोज एक शिकार करता था, खाता था और अपनी भूख मिटाता था। एक दिन वो सारा दिन जंगल में घूमता रहा पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला, चलते चलते उसे एक गुफा नज़र आई। वो उस गुफा के अंदर जाके बैठ गया। वो गुफा थी एक सियार की। अंधेरा होते होते सियार अपनी गुफा में वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बाहर जो पानी रहता है, कीचड़ था, उसके ऊपर शेर के पंजों के निशान थे। और शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने में तो थे पर बाहर निकलने वाले नहीं थे। सियार समझ गया कि ज़रूर गुफा के अंदर खतरा है। सियार बाहर बैठ गया। थोड़ी देर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ए गुफा, मैं आ गया हूँ और मैं कब से बाहर बैठा हूँ, आज तो मुझे क्यों नहीं पुकार रही हो। शेर ने सोचा कि गुफा बोलती है। सियार ने फिर वही आवाज़ लगाई, एक गुफा, मैं बाहर बैठा हूँ, आज तो मुझे क्यों नहीं बुला रही हो। शेर ने सोचा हो सकता है इसकी बोलने वाली गुफा है और जब ये सियार आता होगा, गुफा उसे आवाज़ लगाती होगी, तब सियार गुफा के अंदर आता होगा। शेर ने सोचा अगर मैं नहीं बोलूँगा तो सियार अंदर नहीं आएगा। तो शेर ने अंदर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, हाँ हाँ मेरे प्यारे सियार, तुम गुफा के अंदर चले आओ। सियार समझ गया। उसने कहा, महाराज मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं समझ गया था कि आज गुफा के अंदर खतरा है, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अब आप अंदर बैठे, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। और सियार वहाँ से चला गया और शेर फिर भूखा रह गया। तो इसलिए कभी भी आपको परिस्थितियाँ जैसी भी हो, अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। तो एक और कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।